फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा, फटाफट नजर डालते हैं जिले भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सिरमौर में दवा किट वितरण के दौरान आपस में भिड़े अधिकारी, एसडीएम नीलमणि ने बीएमओ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से की अभद्रता, सामूहिक हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। एसडीएम के द्वारा की गई अभद्रता के मामले को बढ़ता देख एसडीएम ने सीएमओ को थमा दिया है नोटिस। विरोध में उतरे डॉक्टर, अस्पताल के सभी कर्मचारी ने हड़ताल में जाने की दी है चेतावनी। उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले दर्जन भर मार्ग सील, पुलिस ने बढ़ाया पहरा, मतदान पूर्ण होने तक आवागमन रहेगा बंद। त्रिस्तरीय पंचायती राज के आखिरी चरण का मतदान जारी। विगत दिनों देवी प्रतिमा के सामने युवक की हत्या के मामले में युवक की हुई शिनाख्त, फोटो देकर पहुंचे परिजन। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बढ़ौहा में देवी प्रतिमा के सामने मिला था शव, कुल्हाड़ी से गला काट कर उतारा गया था। मौत के घाट मृतक की पहचान दिव्यांशा के निवासी क्योंटी के रूप में हुई। भारतीय शिक्षण मंडल की बैठक संपन्न, बैठक में जिला स्तरीय समितियों का हुआ गठन। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा परिसर में आयोजित हुआ महाकौशल प्रांत की बैठक। रीवा जनपद के ग्राम पंचायत टीकर में सरपंची लड़े प्रत्याशियों में सरोज शंकरलाल गुप्ता ने सबसे ज्यादा वोट पाने का राजा कीर्तिमान किया गया सम्मानित। चुनावी व्यस्तता का फायदा उठाकर तस्कर कर रहे हैं तस्करी, यूपी से नशीली कप सिरप लेकर आ रहे तस्करों को पुलिस ने घेरा तो आरोपी हुए फरार। 600 सीसी नशीली कप सिरप बरामद, कार को पुलिस ने किया जब्त, लॉर पुलिस ने डिगवार गांव में की कार्रवाई। मनगवा बस्ती में दो समुदायों के बीच विवाद, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग थाने, रिपोर्ट दर्ज करवाने पर अड़े। तनाव की स्थिति के बाद पुलिस ने दी समझाइश, मामला हुआ शांत। चुनाव में बिक्री के लिए लाई गई 6 पेटी शराब बरामद, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। आरोपियों की कार को पुलिस ने किया जब्त, पकड़े गए आरोपियों में शिव कुमार ताम्रकार और पीताम्बर सोनी निवासी बैकुंठपुर शामिल। सिरमौर जवा त्योथर में मतदान शुरू, 5,15,000 मतदाता चुनेंगे अपने प्रतिनिधि। पंचायत चुनाव का आज अंतिम चरण, 906 मतदान केंद्रों में सामग्री लेकर पहुंचे दल ने शुरू कराया मतदान। रीवा नगर निगम महापौर चुनाव के लिए आमने सामने हुए मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों ने की सभा। बीजेपी ने कहा संबल योजना बंद कर कांग्रेस ने गरीबों का हक छीना, तो कांग्रेस ने कहा हमारे पास है विजन, शिवराज सिर्फ टेलीविजन वाले नेता। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रबंधन पर एक बार फिर से छात्रों ने लगाया मनमानी का आरोप, बिना पीजी की परीक्षा में पीएचडी प्रवेश शुरू, कहा पीजी अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रवेश जर्नल एडमिशन दिया जाए। पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने थामा भाजपा का दामन, शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के हाथों ली हवाई पट्टी में सदस्यता। युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सौरभ नगर बोदाबाद में हुई घटना। मृतका अंजलि प्यासी ने उठाया अज्ञात कारणों के चलते आत्मघाती कदम, पुलिस जांच में जुटी। घर में घुसकर मोबाइल चुरा ले गए बदमाश, समान थाना क्षेत्र के राम निरंजन नगर निवासी राजेश साकेत के घर हुई चोरी की वारदात। और पुरानी रंजिश को लेकर रायपुर कचुरियाम थाना क्षेत्र में मारपीट, तेज चंद्र बसोर के साथ पंकज और राहुल ने की मारपीट। रायपुर कचुरियाम थाना क्षेत्र के रामनगर पहाड़ी मंदिर के पास हुई लूट की घटना, अज्ञात चार व्यक्तियों ने ओम प्रकाश साकेत के साथ मारपीट कर मोबाइल कैमरा छीन कर हुए फरार। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। गुड़ताना क्षेत्र के बदवार पहाड़ में उत्कर्ष द्विवेदी का अपहरण कर मारपीट, आरोपियों ने मांगी थी फिरौती। पीड़ित की शिकायत पर अभिषेक सिंह चंदेल, अनमोल तिवारी, सौरभ सिंह परिहार और अन्य के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया आपराधिक प्रकरण। पुरानी रंजिश को लेकर सेमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम खारा में विवाद, शांति नारायण पांडे के साथ पुष्पेंद्र मिश्रा ने अपने अन्य साथियों के साथ की मारपीट, आरोपियों ने रास्ता रोककर गाड़ी में तोड़फोड़ की, जान से मारने की दी थी धमकी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहपुर थाना क्षेत्र में दो सगी बहनों का अपहरण, दोनों नाबालिगों के अपहरण की परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। दो किशोरियों के अपहरण से क्षेत्र में हड़कंप, पुलिस परिजनों की शिकायत पर तलाश में जुटी। जिले भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़।